Thy Thalat, Thy Hathari. करीब आ जाओ तो ثقافت کے شعبے سے، کھیل کے شعبے سے، کسی بھی شعبے سے، تو
सवाल के लोगों को पूछा जाता था कि आपका आइडियल कौन है, इस तरह आप बदलती रहती हैं, कभी इसे रोल मॉडल कहा जाता है, आपका मेंटर कहा जाता है। ये सवाल हकीकत अपने अंदर एक मानवीय रखता है, किसी से उसका आइडियल पूछने का मकसूद ये होता है कि इस शख्स का जौक क्या है, इसकी अपनी मंजिल क्या है, ये किसके सांचे में ढलना चाहता है, ये कैसा बनना चाहता है। हम अपना आइडियल मुंतखब करेंगे अपने जौक के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी अक्ल की रसाई के मुताबिक। और अगर अल्लाह करीम से पूछा जाए कि हमारा आइडियल कौन है, तो फिर अल्लाह करीम का इंतखाब होगा उसकी अपनी शान के मुताबिक। एक वो आइडियल है जिसे हम मुंतखब करें, और एक वो आइडियल है जिसे हमारा परवरदिगार, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, वो हमारे लिए मुंतखब करे। हमारे इंतखाब में और हमारे पाक परवरदिगार के इंतखाब में कितना फर्क होगा, उतना ही फर्क होना चाहिए जितना के खालिक की हिकमत में और मखलूक की बसीरत में हो सकता है। हम अपनी अक्ल की रसाई के मुताबिक इंतखाब करेंगे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इंतखाब करेगा। अल्लाह ने फरमाया, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अगर तुम्हारे लिए कोई नमूना है, कमाल है, अगर तुम्हारे लिए मैंने किसी को मुंतखब किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है। रसूलुल्लाह को मैंने तुम्हारा आइडियल मुंतखब किया है। रसूल कहते हैं कासिद को, पैगाम पहुंचाने वालों को। बाज जहनों में ये इश्तेबा होता है कि रसूल का मकसद तो है पैगाम पहुंचाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा लिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब उन्हीं का नाम लेते रहना, उन्हीं को मंजिल मकसूद बनाना, ये क्या मामला है। उन्होंने तो पैगाम दिया और पैगाम देकर चले गए, उस पैगाम को गौर से तो पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह के हाथ में पैगाम है, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जात में पैगाम है। इस कासिद को सिर्फ कासिद समझकर सरसरी ना लेना, इसे मैंने कासिद नहीं बनाकर भेजा, इसे मैंने तुम्हारे लिए मकसूद बनाकर भेजा। कासिद नहीं है ये, बल्कि जिंदगियों का मकसूद है। उसको कहते हैं नमूना को, कुदवा को, उस जात को जिसकी पैरवी की जाए। अल्लाह ने फरमाया कि इनका उसवा उसवाए हसना है। हजूर जाओ मोहम्मद पीर मोहम्मद करम शाह लदवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत इशारा फरमाया। आपने फरमाया अरबी में कितनी वसत है, उसवाए कामिला हो सकता था, उसवाए शामिला हो सकता था, दर्जनों के या सैकड़ों लफ्ज मौजूद थे जिनसे उसवा का वस्व बयान किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उसवाए हसना। उसवाए हसना, हसना में क्या गहराई है। हसन हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, हुजूर के लाड़े में जाते जिगर हैं, प्यारे नवासे हैं, लेकिन मुमकिन है कभी हसन की मानवीयत की तरफ हमारी तवज्जो न की गई हो। हसन कहते हैं वो जात जिसे हुस्न के खमीर में खूब जिसे हुस्न के खमीर में खूब दिया गया हो। हुस्न जो है वो बात औकात वक्ति भी हो सकता है, किसी खाता है वो प्रसाद का मौका हो सकता है, हुस्न लिबास के तब्दील होने से तब्दील हो जाता है, माहौल के बदलने से बदल जाता है, ज़ाविया नजर के बदलने से तब्दील हो जाता है। ढलती उम्र की धूप छाओ भी हुस्न में फर्क डाल देती है। बाद पहलुओं से कोई हुस्न होता है, दूसरे पहलुओं से हुस्न नहीं होता, लेकिन हसन उसे कहते हैं जिसे गुंदा ही हुस्न के तब्दील में गिरा हो। वो हर रंग में खूबसूरत होगा, हर लिबास में खूबसूरत होगा, हर उम्र में खूबसूरत होगा, उसकी एक अदा नहीं सारी अदाएं खूबसूरत। बलाए क्या है लाली उसकी हर बात, इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या। हसन वो है जो हुस्न के खमीर में गुल कर मिला गया, तो किसी सहारे का मौका नहीं है, जो देखने वाले के हुस्न नजर का भी मौका नहीं है, जो वाकई में हसीन हो उसे हसन कहा जाता है। लेकिन पश्चातगी की क्या जरूरत हुस्न माना को, फितरत खुद कबूल करती है लाले की इनाबत, जिस लाले की इनाबंदी दस्ते फितरत ने खुद कर दी हो उसे हसन कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, इनसे
अपनी मर्जी से बैठने पर मजबूर नहीं कर सकता। जिंदा में भी शोरिश न रही अपने जिनों की, अलहमदुलिल्लाह है ऐसा सुखता तरीका। दिल जो है वो किसी की मर्जी से नहीं कभी धड़कता, दिल की दुनिया पे एक ही सुल्तान का सिक्का चलता है और वो है हुस्न का सुल्तान। लकद कामल लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हुस्न का सुल्तान तो एक ही है और वो मोहम्मद अरबी। तो उनकी हर अदा हसीन है, जो उनकी पैरवी करता है वो गोया के इक्तिसाबे हुस्न करता है। जितना उनके औसाफ और सीरत के सांचे में ढलता चला जाता है उतना ही खूबसूरत हो जाता है, उतना ही खूबसूरत हो जाता है, इतना खूबसूरत भी हो जाता है कि ये कायनात तो एक तरफ, कायनात का परवरदिगार भी फरमाता है इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फतअलूनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो मेरे महबूब की इत्तेबा करो, जब इसकी इत्तेबा करोगे तो खूबसूरत हो जाओगे, हुस्न के सांचे में ढलना शुरू हो जाओगे, इतने खूबसूरत हो जाओगे, इतने खूबसूरत हो जाओगे, इतने खूबसूरत हो जाओगे कि कायनात तो एक तरफ, कायनात का परवरदिगार भी तुमसे मोहब्बत करता है। जो उनसे मोहब्बत करता है वो खूबसूरत हो जाता है। पीर मोहम्मद करमशाह अदरी हुस्न की उस दास्तान का एक बाब है। उन्होंने उस हुस्न वाले से मोहब्बत की, अल्लाह ने उन्हें भी खूबसूरत बना दिया। इकबाल कह गए हैं कि सराफा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। भला है दिल हसी ऐसा भी है कोई हसी तो आशिकाने उसे हुआ खूब कर खुश करो उसे बात करो मैं खूब कर। उनसे मोहब्बत करने वाले खुद भी महबूब हो जाते हैं। पीर करमशाह साहब अदरी ने उनके हुस्न से इक्तिसाब किया। ज़ियाउल कुरान लिखी तो उनके हुस्न के तराने लिखे, ज़ियाउल नबी लिखी तो उन्हीं के हुस्न का तवाब किया। वो इतने खूबसूरत हो गए कि अब समाना उनसे वो करता है, जो उनसे वाबस्ता हो जाता है वो उनके हुस्न का मजर हजरत अमीन हुस्न करम हमारे दरमियान मौजूद है। वो देख लो कि क्या हुस्न है, क्या फैजान है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ये हुस्न की दास्तान है जो फैलती चली जा रही है। देरा शरीफ से वाबस्तगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वाबस्तगी, ये बैतुल करम का सिलसिला, ये सब हुस्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीजो इशाअत का सिलसिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इससे वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। वो हुस्न दे जो तेरी तलातों का मदद, वो हुस्न दे जो तेरी तला